आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी नेताजी का जलवा कायम दिखाई दे रहा है। मतगणना में शुरुआत से ही डिंपल यादव की बढ़त बरकरार है। इसके साथ समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट भी किया गया। ट्वीट के जरिए कहा गया कि मैनपुरी में सपा ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा सैफई में शिवपाल यादव ने नेताजी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आपको बता दें कि आज मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव है, जहां पर लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है। बता दें कि आज, और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से ये सीट बचानी थी, उनकी साख बचानी थी, लगातार डिंपल यादव अपने वोटों से लगातार आगे बढ़ रही हैं। देखिए नंदनी, डिंपल यादव इस समय करीब 1,90,000 वोटों से आगे है और जो जसवंत नगर की विधानसभा सीट है वहां से करीब 1,25,000 वोट आगे चल रही है। जसवंत नगर की विधायक शिवपाल सिंह यादव है और जब शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ आए थे तभी अंदाजा लग गया था कि समाजवादी पार्टी जो है यहाँ से एक बड़ी जीत की तरफ देख रही है खुद को। चुनाव में जब वो रैलियां कर रहे थे, चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, जब जनसंपर्क कर रहे थे, तो जसवंत नगर में जो शिवपाल यादव ने अपील की थी वो अपील काम करती दिख रही है। अकेले जसवंत सिंह से वो 1,25,000 से ज्यादा वोटों से आगे है और कुल अगर बात की जाए तो वो 1,90,000 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है रघुवर साक्ष उनसे आगे चल रही है। अब तो समाजवादी पार्टी के जो ट्वीट उन्होंने किया है कि ट्वीट में साफ कह दिया कि जो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव है वो एक बड़ी बढ़त और बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 1,90,000 वोटों से आगे चलना ये प्रचंड जीत की तरफ दिखाता है और रिकॉर्ड भी तोड़ा है डिंपल यादव ने। नेताजी की सीट थी 1991 से नेताजी लगातार यहाँ से चुने गए थे और उनके जाने के बाद डिंपल यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, तो उन्होंने नेताजी के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर मैनपुरी के लोकसभा सीट की अगर बात करें विवेक, देखा जाए तो नेताजी का विरासत लगता है डिंपल यादव संभालेंगे, जिस तरीके से लगातार वो नेताजी के अंतर से भी आगे बढ़ चुकी हैं। देखिए नंदनी, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी जो बढ़त है 1,90,000 वोटों से आगे चल रही है तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है। वो काफी बड़े मार्जिन से आगे चल रही है और अगर इसी तरह से वो चलती रही तो काफी बड़े मार्जिन से वो जीत भी सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो नेताजी के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि नेताजी से भी ज्यादा वोटों से वो जीतने वाली है, क्योंकि मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इस उपचुनाव से, इस लोकसभा उपचुनाव से उनकी प्रतिष्ठा परंपरा सारी जुड़ी हुई है। ये उनकी साख और नाक का सवाल था। इसमें समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस मैनपुरी के उपचुनाव पे था। जैसा कि हमने देखा कि शिवपाल यादव घूम घूम कर जनसभाएं कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, अखिलेश यादव गांव में घूम घूम कर अपने पति डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे थे, बड़े बड़े नेता वहां पे जाके चुनावी जनसभाएं की, लोगों से वोट मांगा और जिस तरह से प्रचंड जीत की तरफ समाजवादी पार्टी जा रही है तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है। काफी बड़े मार्जिन से वो जीत की तरफ बढ़ रही है और जहाँ तक विरासत की बात है तो केवल इस चीज को जीत जाने पे ही विरासत की संभावना नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि नेता ने जो काम किया है मैनपुरी के लिए 91 से लेके अब तक वो वहाँ से जुड़े हुए थे, वहाँ का विकास कार्य किया, वहाँ के लोगों के प्रति उनका लगाव था, एक अलग इसलिए था, तो उनकी विरासत को आगे ले जाने का मतलब जो लेगेसी वो छोड़ के गए हैं मुलायम सिंह यादव जी, उस लेगेसी को भी आगे ले जाना होगा और उतना ही जनता के लिए समर्पित रहना होगा जितना समर्पित नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने दिनों में आज से रहा करते थे। नंदनी, देखा जाते विवेक, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट उतनी ही जरूरी थी, लेकिन अगर ये भी कहा जाता था कि ये भी अगर सीट बचा ले गए तो समाजवादी पार्टी का भविष्य बच जाएगा। जी देखिए, ये सीट बचाना बहुत जरूरी था समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आगामी आम चुनाव 2024 में होने हैं, उसका नतीजा जो है ये थोड़ा बहुत डिसाइड करता, क्योंकि नेताजी यहाँ से सांसद चुने गए थे 2019 में, 10 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीटें रिक्त हुई, उसके बाद यहाँ चुनाव हुए, आज वोटिंग जारी है
डिंपल यादव 1,90,000 के वोटों से आगे है। तो 2 साल बाद फिर से जो है ये लोकसभा का चुनाव यहाँ पे होने वाला है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। बाकी अन्य जगहों पे भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और खटोली से अगर बात की जाए, चाहे रामपुर से बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी जो है बेहतर बढ़त बढ़ाई हुई है। और इस तरह से देखते हुए उस चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है, जो घटनाओं से साइकिल है, तो वो साइकिल जो है अब तेज रफ्तार से चल पड़ा है, और ये साइकिल तेज रफ्तार से चल रही है और काफी ज्यादा बढ़त के साथ जो है मैनपुरी में विवेक शिवपाल यादव को किस जिस तरीके से शिवपाल यादव ने आगे बढ़कर और डिंपल यादव के लिए वोट किया, वोट मांगा है, तो शिवपाल यादव किस तरफ देखा जा रहा है इसमें? देखिए मैं बता दूं कि विधानसभा जो जसवंत नगर की थी वहां से वो सबसे ज्यादा वोटों से आगे हैं। शिवपाल यादव ने वहां जनसभाएं की थी, चुनावी सवाल की थी, जनसंपर्क किया था, वोटों के लिए अपील की थी, तो वो जसवंत नगर में ज्यादा मार्जिन से आगे है, तो शिवपाल यादव का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी अपील काम आई, उनकी बात लोगों ने सुनी। जो प्रसपा के कार्यकर्ता है उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया, सपा के लिए वोट मांगे, डिंपल यादव के लिए वोट मांगे, नेताजी के नाम पे वोट मांगे, तो शिवपाल यादव की चुनावी जनसभा जो अपील की थी वो बहुत ही दिखाई दे रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव उनको नेता विपक्ष बनाने की भी भूमिका में देख रहे हैं, जो कि शिवपाल यादव के लिए एक बड़ा तोहफा भी होगा। जी जी, देखा जाए विवेक, तो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंक दी थी अपनी मैनपुरी उपचुनाव के लिए, मैनपुरी सीट के लिए। लेकिन नंदिनी भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है, उसके कार्यकर्ता जो है 12 मास जो है 24 घंटे लगे होते हैं, तो कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरजोर मेहनत नहीं करती है, पुरजोर कोशिश नहीं करती है। तो ये तो मैनपुरी लोकसभा का चुनाव था, ये सुनहरा अवसर था उसके लिए, यहाँ से कमल खिलाए 1995 के बाद से इस दुर्ग को समाजवादी पार्टी के दुर्ग को किसी ने भेजा नहीं है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि भूपेंद्र चौधरी कह चुकी है कि हमने अपने पूरे मन से पूरे प्रयास से इस उपचुनाव की परीक्षा को दी है, बाद रिजल्ट बताएगा कि हम कितने सफल हुए कितने असफल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव को पूरे एकाग्रचित होके, पूरे संगठित होके अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड़ती है, और पूरा जो है वो चुनावी रणनीति के साथ लड़ती है। विवेक, कितनी राउंडिंग अभी बाकी है वहां पर? देखिए 11 राउंड अब तक हो चुके हैं और काफी ज्यादा मार्जिन से है, 1,19,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है, तो ये काफी ज्यादा आंकड़ा अगर देखा जाए तो 1,19,000 वोट बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसे वो आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, इनके नेताओं में खुशी की लहर है, और समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर से ये शूट भी किया गया था कि किस प्रकार के तीनों उपचुनाव में सरकार दखलअंदाजी कर रही थी, इस काम में चुनाव आयोग के काम में दखलअंदाजी कर रही थी, प्रशासन जिस प्रकार से काम नहीं करने देता कार्यकर्ताओं को, तो उसको देखते हुए ये काफी बड़ी जीत की तरफ जो है समाजवादी पार्टी मैनपुरी में दिखाई दे रही है। जी, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार डिंपल यादव अपनी बढ़त कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी वहां से अपनी जीत दर्ज करेगी। क्या लगता है डिंपल नेताजी के उन पद पे चल पाएंगी? देखिए मैंने वही बात कही कि अब तक वो नेताजी के मुद्दों पर रिकॉर्ड वो तोड़ती रही है, और क्या पता शाम तक ये नतीजा स्पष्ट हो जाए कि वो नेताजी से भी भारी मार्जिन से वहां से जीते, क्योंकि ये जीत भी नेताजी के इनाम है, क्योंकि इन लोगों ने ट्वीट करके भी अखिलेश यादव ने कहा था कि इस ये उपचुनाव जो है वो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। तो इस जीत में नेताजी का खास योगदान है, उनके नाम पे वोट मांगा गया, उनके द्वारा जो विकास किया गया उनके नाम पे वोट मांगा गया। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो लेगेसी वो छोड़ के गए हैं, सिर्फ जितना ही पॉइंट करने की बात नहीं होता है, जो लेगेसी जो मुलायम सिंह यादव वहां के लिए छोड़ के गए हैं, जो प्यार छोड़ के गए हैं, जो समर्पण छोड़ के गए हैं, उस समर्पण को आगे ले जाना होगा अखिलेश यादव और डिंपल यादव को, और उसके ज्यादा बेहतर कार्य जो है उस जनता के लिए, उस लोकसभा उपचुनाव की जो जनता है, उस लोकसभा सीट की जो जनता है, उसके लिए करना होगा, उस प्रयास को और आगे बढ़ाना होगा, उस समर्पण को और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों में आम लोकसभा के चुनाव होने वाले 2024 में, तो ये बेहद जरूरी होगा कि नेताजी के लेगेसी जो छोड़ दिया उसको बनाए रखे, उसको कैरी करे, उसको कैरी फॉरवर्ड करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।